नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक से पूछे गए प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, LCM और HCF, अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इसके बाद कभी भी जिंदगी में इन चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। पहली बात दोस्तों, LCM निकालने की दो विधि है, ठीक है। एक तो होती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो देखिए, हमें तो भाग विधि बहुत पसंद है, चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, मतलब मात्रा निकालना हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अभी आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी टेट एग्जाम में पूछा गया होगा। देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन पंजाब टेट से, यहाँ पर राजस्थान टेट से पूछा गया प्रश्न, राजस्थान पंजाब टेट, ठीक है। तो उत्तराखंड टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा, सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। सी टेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक से लेकर पांच तक प्राइमरी में। तो मतलब देखिए, जो ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन होता है वो हर जगह कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अगर आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, तो आपके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है, मतलब ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, हर एक क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करेंगे एक मिनट में सॉल्व करने की। देखिए, यहाँ पर लिखने में समय ज्यादा लग सकता है लेकिन टाइम वैसे ज्यादा लगता नहीं है, ठीक है। देखिए, एक बात और आपको बता दें, कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे कि भिन्नों का एलसीएम निकालिए, जैसे लिखा होगा 1/2, 1/3, 1/5, इसका एलसीएम निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी हम वीडियो में देखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और आपको बता दें जो कि कभी कभी पेपर में आ जाता है, जैसे कि ये आ सकता है कि 2.4 का आप बताइए एलसीएम क्या होगा, 0.36, ठीक है, और आगे लिखे रहेगा 0.045। अब आपसे पूछा जाएगा आप इसका एलसीएम निकालें, तो इसका एलसीएम पता है कैसे निकाला जाता है, जैसे ये लिखा 2.4, 0.36, 0.045, तो इसमें ऐसे निकालेंगे 24, 36 और ये 45 करके, आप इसको ऐसे भाग विधि से सीधे एलसीएम निकालेंगे, दो से भाग करके जो भी आएगा, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो लगभग आपका 360, चलिए हम इसको करके दिखा देते हैं आपको, 24, 36 और 45। देखिए, अभी हम क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ बातें आपको बता दे रहे जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे दो से भाग देंगे तो 12 बढ़ जाएगा, 18 बढ़ जाएगा, ये 45 ही रहेगा। फिर दो से भाग करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, ये 45 ही रहने वाला है। फिर दो से भाग करेंगे, 2 × 3 = 6, 9 = 45, ठीक है, 45। फिर अभी किससे जाएगा, ये जाएगा 3 से, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, ये 15 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे, यहाँ 1 था, 1 रहेगा, 3 × 5 = 15 और लास्ट में ये हमारा 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 हो गया, 3 × 3 × 5, 2 कितनी बार है, टोटल 3 बार है, 3 हमारा 2 बार है और 1 5 बार, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72, 72 × 5 होता है 360, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, लेकिन देखिए अब इसका एलसीएम माना क्या जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का जो एलसीएम होता है, जो दशमलव से देखेंगे, जो मिनिमम दशमलव जिसमें लगा होगा एक अंक के बाद, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर आता है। देखिए, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी हम वीडियो में नहीं देखेंगे। तो दशमलव संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए उनके संगत पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, जैसा कि हमने अभी निकाला 24, 36, 45, जैसे यहाँ 2.4 ऐसा था, ठीक है। प्राप्त एलसीएम में दाहिनी ओर से उतने अंक के बाद दशमलव डालें जितना कि दशमलव के न्यूनतम अंकों की संख्या में दशमलव के बाद दाहिने अंक की ओर हो, ठीक है। ये दाहिने अंक की ओर न्यूनतम संख्या, ठीक है। न्यूनतम हमारे 2.4 था, तो हमारा आया था 360, तो इसमें हम लिखेंगे 360.0, एक अंक के बाद ये दशमलव लगा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा 36। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं और जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको देखेंगे। तो हर तरह के क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और चेक करेंगे कि क्या आज आपने जो इस वीडियो को देखा है इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन मिले हैं या नहीं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आया हुआ प्रश्न ही होगा, ठीक है। अपने मन से हम कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मात्रा 11 दिया है, लहसा 693, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या होगी। आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या
गुणे में दूसरी संख्या बराबर हमारा होता है लस, ठीक है, गुणे मस। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। पहली संख्या हमारी दी गई है, देखिए पहले मासा लासा ये दिया है, ठीक है, तो लासा हमारा 693 है, गुणे मासा दिया गया है 11 बराबर, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या को हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए क्या हमारी एक्स है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वही आंसर होगा। ये एक्स बराबर ऐसे लिख सकते हैं 693 इंटू में 11 बरे 77, 11 कम 11 11 सत्तर 77, 7 से भाग दीजिए 7 9 63, 7 9 63, तो हमारा x का मान आ जाएगा 99। देख सकते हैं आप विकल्प नंबर सी जो हमें दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखिए पहले जब इन सब क्वेश्चंस को आप लोग देखें ना, तो पहले आप लोग खुद से लगाने का प्रयास करें, क्या आपसे ऐसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, बाद में तो हम आपको पूरा आंसर बता ही रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो। जब भी आप छोटी से छोटी संख्या देख ले तो आप समझ जाइए कि आपको निकालना क्या है, एलसीएम, ठीक है। तो 16, 24, 36 और 54 का हम एलसीएम निकालेंगे पहले, ठीक है। ये हमारा भाग भी दिए, भाग करेंगे 2 8 16, ये 12 बार जाएगा, 18 बार जाएगा, 27 बार जाएगा, 2 से भाग कर रहे हैं, फिर 2 से भाग करिए, 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18। देखिए आप लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना भी सीख जाएंगे, बिल्कुल हम बेसिक से समझा ही रहे हैं, 2 2 4, 2 3 6, 9 27, ठीक है। एक बार और, जब से 2 2 से तब तक भाग देंगे जब तक आपको 2 दिखेगा, 3 9 27, अब हमारा भाग जाएगा 3 से, 1 हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 1 1 1, 3 3 9, फिर एक बार 3 से और 1 1 1 और 1, ठीक है, इतना हो गया। तो 2 हमारा टोटल कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है, 3 हमारा टोटल 3 बार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे बगल में, 2 4 बार आ रहा था ना, गुणे 3 3 बार, इसका हमें नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 4 2 8 2 16, ठीक है, 16 3 48, ठीक है, और 48 3 कितना होता है, होता है हमारा 144, ठीक है, 144, और इसका मल्टीप्लाई जब हम 3 से कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 432, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ये, लेकिन हमें बताना 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, पहले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखिए, वन लिखिए, 1 2 3 4 बार 0, टोटल 5 अंक हो गए। देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर निकाले तो 5 बार 9 लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। ये छोटी से छोटी संख्या हमारी ये आ गई, हमें ये बताना था कि ज्ञात करना था जो इससे पूर्णतः विभाजित हो, इन सभी संख्याओं से 16 से 24 से 36 से 54 से, तो आप 432 से अगर इसमें भाग करेंगे, ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा आप ये बताइए। अब देखिए भाग करके हमें देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, देखिए यहाँ पर ये भी जरूरी बात है ना, अब हम लोग 432 से भाग करेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में, तो दोस्तों चलिए भाग करके देखते हैं पहले कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा हमारा, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, यहाँ बचा 9, ठीक है, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा ये हमारा, अब 3 बार जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 15 में से 9 गया 6 बचेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, देखिए हमारे यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, ठीक है। 432 में जब इससे भाग किया तो हमारा जो शेषफल, देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारा शेषफल है कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। अगर दोस्तों हम लोग 1 2 3 4 0 में 64 अगर घटा दें, और जब लेकिन 64 इसमें हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा पहले, तो दोस्तों सबसे पहले हम घटा लेंगे, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, यहाँ 9 9, ये उतर जाएगा, ठीक है, ये घटाने पर आ गया। लेकिन हमें बताना था 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अब ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, लेकिन 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लाने के लिए तो 432 हमने भाग दिया था, यहाँ 432 जोड़ देंगे, हमारा फाइनल आंसर आएगा 6 2 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 10368, ये विकल्प में ए वाला विकल्प जो सही है ये हमारा सही आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तब
आप लोग कैसे करेंगे? जी हाँ दोस्तों, देखिए आप इतने हाई लेवल के क्वेश्चन जब आप लोग करके जाएंगे ना, तो जब आप पेपर देंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब दिखेगा तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा करना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपको ये बताना है। तो मान लेते हैं कि संख्या है दोस्तों हमारी क्या है, मान लेते हैं पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है और इनका एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ नहीं पता। तो आपको फार्मूला पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो हम करेंगे 3x × 4x बराबर इसका जो महत्तम समापवर्त है, ठीक है, एचसीएफ हमें नहीं पता है, उसको भी हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक एक्स है, ये एक्स कट जाएगा, 4 × 3 = 12x बराबर 84 हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 84/12, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो बस यही हो गया हमारा आंसर। देखते हैं विकल्प में कहाँ दे रखा है, रुकिए एक मिनट, ये 7 हमारा x का मान है, लेकिन हमें पूछा गया है क्वेश्चन में बड़ी संख्या क्या होगी। पहली संख्या 3x थी ना, तो 3x का मतलब हो जाएगा 3 × 12, 12 × 3 = 36, नहीं, 12 कहाँ से होगा दोस्तों, जो हमने 7 निकाला था ना, देखिए जल्दबाजी में यही सब गलतियाँ होती हैं। तो हमारी जो छोटी संख्या होगी 3 × 7 मतलब 7 × 3 = 21 हो जाएगी, जो बड़ी संख्या होगी ये होगी हमारी 4x मतलब 4 × 7, 7 × 28, ठीक है। तो देखते हैं विकल्प में हमारा कौन सा सही होगा, ये हमारा जो सी विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका अगर आपको पता है, स्टार्टिंग अगर आप लोग कर ले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या था पेपर में जो आया था, देखिए ये राजस्थान टेट का क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा इससे विभाजित भी हो। देखिए छोटी से छोटी संख्या देखते ही आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एलसीएम निकालना है, किसका, 10, 12, 15 और 18 का, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से भाग करिए, 2 × 5 = 10, जो छंग 12, 15, 2 × 9 = 18, 2 से फिर भाग करेंगे, 5, 2 × 3 = 6, 15, 9, अब जाएगा हमारा 3 से, ये 5 आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 5, 1, 5, 1, ठीक है। लास्ट में हमारा किससे भाग जाएगा, 5 से, सब एक हो गया। तो देखिए क्या आया हमारा एलसीएम, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। हमें दोस्तों बताना था जो कि पूर्ण वर्ग हो, अब पूर्ण वर्ग के लिए दोस्तों जो ये पेयर बनना चाहिए, जैसे 2 × 2 = 3 × 3, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था हमारा, 5 × 5 होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। लेकिन अगर हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है तो इसका पेयर हम खुद से मान लेंगे, बना लेंगे, ठीक है, तभी हमारा सही आंसर आएगा। तो फिलहाल जो हमारा देखिए इसका एलसीएम ये आया है, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग संख्या बताना, तो 2 × 2 करेंगे, 3 × 3 करेंगे, 5 × 5 करेंगे, 2 × 2 = 4 हो गया हमारा, 3 × 3 = 9 हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई, 25 × 4 = 100 हो जाएगा, 100 × 9 कर लेंगे, 900 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन में 9 × 4 अगर 36 करते तो 36 × 25 करने में आपको समय लगता, लेकिन हमने 25 × 4 25 × 4 = 100 मान लिया पहले, फिर 9 × 9, तो ये आसान हो गया, ठीक है। तो गुणा करने का आसान तरीका भी अगर आपको पता है तो जल्दी होगा, नहीं तो फिर समय लग जाएगा। आंसर तो दोनों तरफ से सही आएगा, वही आने वाला, आंसर नहीं बदलता मैथ में, लेकिन समय कितना शॉर्टकट हो वो आपके लिए बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं 425 तथा 476 का महत्तम समापवर्तक होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में सीधे भाग विधि आप यूज करेंगे, 4 × 5 में 4, 7, 6 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, तो कितना आएगा देखिए, 425 घटाएंगे आएगा, 6 में से 5 = 1, 7 में से 2 = 5, अब भाग करेंगे 425 को ऐसे, ठीक है, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 8 बार, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, ठीक है। 15 में से 8 = 7, यहाँ बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा 51, 17 × 3 = 51, ठीक है, ये आ गया कट्टम कट्टम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, हमारा मासा निकल के आया 17, ठीक है। तो विकल्प में आप देख सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो कैसे करना है अब आप लोग धीरे धीरे समझ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, संख्याओं का हमें लघुत्तम समापवर्त लासा निकालना है, ठीक है। लासा के हमने कितने क्वेश्चन आपके सामने रखे, अब आप लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे निकालना है,
हमने आपको बता रखा है 90, 60, 75, 35, ठीक है, ऐसे जैसे लिखा है वैसे आप लोग लिख लेंगे। अब इसको भाग करके देखेंगे, 2 से पहले 45 बार जाएगा, 30 बार जाएगा, 75, 35, उसके बाद किससे भाग जाएगा, फिर 2 से जाएगा ना, ऐसे ही करके आप लोग निकाल लेंगे इसका जो सही आंसर आएगा। ये हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, 6300 आने वाला है, बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको इसकी पूरी वीडियो बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो सोच रहे कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए ये वाला क्वेश्चन सातवां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मज़ा भी आएगा आपको। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट पर 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है, यदि वे एक साथ 7:50 AM पर बदले तो पुनः वह एक साथ कब बदलेंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मजा आती है। 1 मिनट को भी हम, 1 मिनट में कितने सेकंड होते पहले ये बताइए, 1 मिनट में हमारे होते हैं 60 सेकंड, तो ये भी सेकंड में होगा, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, तो सही रहेगा ना। तो मतलब पहली वाली लाइट 60 सेकंड, दूसरी 75, तीसरी 90, इनका हम क्या निकाल लेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। चलिए इसका एलसीएम निकाल के हम दिखा भी देते हैं आपको, ठीक है। 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा, ये 75, ये 45 बार, ठीक है। फिर 2 से भाग करेंगे 15 बार जाएगा, 75, ये 45। अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा ना, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। जब तक 3 से जा रहा तब तक हम 3 से भाग देते रहेंगे, 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 3 × 5 = 15। अब हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5, लास्ट में एक बार और 5 से भाग देंगे, ये 5 लिखा है, ठीक है। तो 5 × 1 = 1, तो 2 × 2 = 3, 3 × 5 = 5, हमारा इसका जो एलसीएम है क्या है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 = 4, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25, तो ये 25 × 4 पहले कर लेंगे, 100 हो जाएगा, 100 × 9 हो जाएगा 900। ये दोस्तों आ गया हमारा 9 सेकंड आ गया। लिखा है कि ये 7:50 AM पर बदलती है, तो इसको हम पहले मिनट में बदल देते हैं। मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 900 को सेकंड में दिया है, मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, 1 0 कटा, 6 × 6 = 6, 6×5 = 30, मतलब ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 15 मिनट। और मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, जैसे 15 मिनट को हमें सेकंड में बदलना, क्या करेंगे, 15 × मिनट को हटाते 60 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, फिर ये 900 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये 15 मिनट निकल कर आ गया है। तो ये बोला है कि यदि वे एक साथ 7:50 AM पर बदलती है तो पुनः वे एक साथ कब बदलेंगे। सिंपल सा है, 7:50 AM में हम 15 मिनट और जोड़ देंगे, ठीक है, 15 मिनट और जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा, जोड़िए, 7:50 AM पर 10 मिनट जोड़ेंगे तो 8 बज जाएगा, और उसमें 5 मिनट और जोड़ेंगे तो 8:05 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 8:05 AM, ठीक है। ये तरीका है, ऐसे आप करेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए जब सुबह 7:50 हो रहा होगा, ठीक है, अगर उसमें 10 मिनट जोड़ेंगे तो कितना, 8 बज जाएगा, 5 मिनट और जोड़ देंगे तो 8:05 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये उत्तराखंड टेट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डीएलएड में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बच्चे ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यदि 3 संख्याएं दी गई हैं 1:1, 1 सेकंड और, एक क्वेश्चन और छूट रहा है हमारा, देखिए 8वां क्वेश्चन छूट रहा था, इसको भी करते हुए चले। प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मासा तथा लासा बताना, प्रथम 3 सम संख्याओं का, ठीक है, सम संख्या कौन कौन सी होंगी, पहले 2 होंगी, 4 होगी, 6 होगी, 3 सम संख्या ये होगी, इसका जब हम पहले मासा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। मासा क्या होता है दोस्तों, जिसमें सभी से मतलब कॉमन, जो देखिए उभयनिष्ठ होता है, देखिए ऐसे समझिए, जैसे 2, 4, 6 का मासा निकालना, तो पता है क्या, जो हमने भाग विधि से अभी आपको बताया था, 2 से भाग करिए 4 में, कितनी बार जाएगा, 2 × 2 = 4, ये कट जाएगा ना, खत्म। अभी 2 का भाग 6 में भी करेंगे तो 2 × 3 = 6, ये भी कट गया, तो ये हमारा मासा निकालेगा। 2, 4, 6 का मासा 2 आ जाएगा। अगर लासा निकालना है 2, 4, 6 का, तो हमने आपको तरीका कैसे बताया, 2 से भाग करिए, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, फिर 2 से भाग करेंगे एक बार, 3 आ जाएगा। अब 3 से भाग करेंगे 1, 1, 1, तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 3 = 12, ये हमारा आ जाएगा लसा। तो हमारा लसा निकल के आएगा हमारा 12। बस ये पूछा क्या था,
पहले मासा 2 हो जाएगा, लास्ट सब 12 हो जाएगा। विकल्प में जरा देखते हैं, 2 और 12 कहाँ दिया गया। ये हमारा जो चौथा विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में विकल्प को ही देख के टिक मारेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई विकल्प आपको दिया हो 12 और 2, तो वो गलत होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर सीरियल सीरियल देखिए, पहले बोला था कि मासा बताना है फिर लासा है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है ताकि आपका एक नंबर गलत हो। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं दी गई हैं 1:2:3 के अनुपात में तो उनका मासा 12 है तो वे संख्या बतानी है। देखिए दोस्तों, मासा क्या होती है? ठीक है, मासा मतलब सभी में वो होना ही चाहिए। मतलब ये समझिए, मासा उन संख्याओं का उभयनिष्ठ भाग होता है। इसमें पहली संख्या दी गई है 1, दूसरी संख्या दी गई है 2, तीसरी संख्या दी गई है 3। तो जो भी संख्या मासा हमारा जो भी होगा उभयनिष्ठ मतलब सम में होगा। जैसे पहले इनका मासा 12, तो 12 का गुणा सम में आप कर दीजिए, पहली संख्या में भी दूसरी तीसरी में भी। 12 1 12, 12 2 24 यहाँ हो गया, 12 3 36, तो ये संख्या याद आएंगी 12 24 36। हमारा विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी भी मासा आपको दिख जाए, संख्याएं दी गई हैं, तो ऐसे करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणन खंड का अंतर। जहां सबसे छोटे की बात आ जाएगी वहां एलसीएम है, वहां जहां सबसे बड़े सार्वगुणज वहां एचसीएफ है। ठीक है, ये बात आपको बस पता होनी चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहले हमें 5, 10 और 35, ठीक है, 5, 10 और 35 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से भाग करिए, 5, 2, 5, 10, 35। अब 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5, 7, 35। ठीक है, अब 7 से कर लेंगे, 1, 1, और ये तो आगे हमारा 2×5×7, 2×5, 10×7 हो जाएगा 70। तो दोस्तों हमारा जो एलसीएम आ गया यहाँ पर 70 आ जाएगा। एचसीएफ निकालेंगे 5, 10 और 35 का। देखिए 10 में भाग करेंगे, 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ये कट गया, हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 35 में 5 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 5, 7, 35, ये कट्टम कट्टम। ठीक है, तो इसका अंतर बताना था। हमारा जो एचसीएफ निकल कर आया 5 आया, एलसीएम 70 है, तो 70 में से 5 घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65। विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 3, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों का हमें लासा ही निकालना है। देखिए दोनों बालिका है, सबसे छोटा यहाँ पर भी छोटा, तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। पहले 4, 5, 6 का निकालते हैं लासा, 4, 5 और 6 का लासा निकालेंगे तो कैसे होगा, 2 से भाग करिए, पहले 2×2=4, 5×2=3=6, फिर 2 से करेंगे, 2×1=2=5, 3, फिर अब 3 से करेंगे, 1×5=1, उसके बाद दोस्तों हम लोग 5 से करेंगे, 1, 1, 1, तो 2×2=4, 4×3=12, 12×5=60, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 60 लासा आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3, 6 और 9 का हमें निकालना है लासा, 3, 6 और 9 का। ठीक है, सबसे पहले हम किससे भाग करेंगे, 2 से करेंगे, 3 रहेगा, 2×3=6, यहाँ 9 रहेगा, फिर 3 से करेंगे, 3×3=3, 3×3=3, 3×9, फिर 3 से करेंगे, 1, 1, 1, 3×2=6, 3×3=18, ये दोस्तों आ जाएगा हमारा 18 इसका एलसीएम। देखिए क्या बोला गया है कि 4, 5, 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 3, 6, 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर। ठीक है, पहले हमारा कितना है, 60-18, दोनों का हमें अंतर निकालना है। क्या करेंगे हम, 60 में से 18 को घटा देंगे, कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4, बचा हमारा 42। विकल्प नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, देख सकते हैं सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए, जिन बच्चों की तैयारी बेहतर होती है ना, वही बच्चे एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ गया, ऐसा क्वेश्चन हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। तो ऐसी दिक्कतें उन बच्चों के साथ आती जिन बच्चों ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन हर तरह के देखिए समझ कर जाएंगे ना, फिर क्या आपको कोई दिक्कत आएगी, कभी नहीं आएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणन खंड का गुणनफल। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, जहाँ बड़े की बात आएगी वहां पर हम निकालेंगे मासा, जहाँ छोटे की बात आएगी वहां पर निकालेंगे लसा। बस यही गलती हमें नहीं करनी है, 30 का निकालना है
और 42। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे छोटे चार गुणज, मतलब इसका हम लसा निकालेंगे, दो से भाग करेंगे, ये 15 बार जाएगा, ये 18 बार जाएगा, ये 21। उसके बाद फिर दो से भाग करेंगे, ये 15, दो नवा 18, ये 21। उसके बाद तीन से भाग करेंगे, 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21। फिर 3 से भाग करेंगे, ये 5 आएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर एक बार हमारा 5 से चला जाएगा, एक बार हमारा लास्ट में 7 से जाएगा। ठीक है, सब 1 हो गया। अब जरा गुणा कर लीजिए, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 कितना होता है हमारा, 36 × 5 कर लेंगे, 5 6 30, 5 3 15 3 18, 180। 180 × 7 करेंगे, इसका गुणा हम 7 से कर देंगे, 7 8 56 5 6, 7 1 7 5 13। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसका हमारा एलसीएम निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है। यहाँ पर जरा देखिए आप लोग, जब हमने जोड़ा था 7 8 56 5 6, 7 1 7 5 12 होगा ना, तो 1260। देखिए हम भी आपको चेक करते हैं कि आप लोग का दिमाग इधर है या नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देखने से नहीं होगा। अब उसके बाद दोस्तों हमें निकालना है इसका सबसे छोटा सार गुणज आएगा तथा सबसे बड़े सार गुणनखंड, मतलब 30 36 और 42 का हमें मसब निकालना है। 30 36 और 42 का कैसे निकलेगा, भाग विधि आपको पता है ना, हमने सबसे छोटे वाले से भाग करेंगे, 36 को भाग करिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, घटेगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ 30 में भाग दे देंगे, 6 5 30, तो ये हमारा दोस्तों जो मसा निकलेगा इसका कितना आ जाएगा, मसा आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, सबसे छोटे सार गुणक तथा सबसे बड़े सार गुणनखंड का गुणनफल, मतलब 1260 जो हमारा निकला है इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, 6 0 0, 6 6 36 का 6, 6 2 12 3 15, 6 6 7, 7 5 6 0 हमारा विकल्प नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए अगर आप लोग इतनी मेहनत करेंगे तब देखिए इसका आंसर आ रहा है, एक छोटी छोटी गलती आपका आंसर गलत हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भाग करना है 90 से। इसका पहले मैं एलसीएम निकालना होगा 36 54 और 60 का, 36 54 और 60 का क्या निकालेंगे एलसीएम, दो से भाग करिए, 18 बार जाएगा, 27 बार जाएगा, ये 30 बार जाएगा। फिर दो से भाग करेंगे, 2 9 18, 27, ये 15 बार जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, 3 9 27, 3 5 15। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है यहाँ 5 ही रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग 3 से भाग करेंगे, 1 1 5 आ जाएगा, लास्ट में हमारा 5 से जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 × 3 × 5, 36 × 3 × 5, ठीक है, 3 6 18, 3 3 9, 1 10, 5 कर देंगे, 9 8 40, 5 5 2 40, ये आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया, कहाँ गया क्वेश्चन ये, और इसको भाग करना 90 से, मतलब 540 को 90 से भाग करना, तो कर दीजिए 540/90 करेंगे, 9 0 0 कट गया, 9 6 54, कितना आ गया हमारा सही आंसर आएगा, 6 आएगा। 13 का विकल्प नंबर डी हमारा जो होगा वो सही आंसर होगा। देखिए हर एक क्वेश्चन का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हर तरह का प्रश्न लगाने की। अब तो आप देख रहे होंगे कि सीटेट के क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भले हो लेकिन अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब आप उसको आसानी से कर भी पाएंगे। 108 और 144 का आपको लसा बताना है, 108 144 एलसीएम आपको निकालना है। इतने क्वेश्चन अब हम आपको एलसीएम का बता दे रहे हैं, हमें नहीं लगता अब तो आपके सपने में भी एलसीएम ही आने वाला है। 2 5 10, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4, ठीक है। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 2 4, 2 7 14, ये 36 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 27, ये 18 बार जाएगा। और फिर 2 से भाग करेंगे, 27, 2 9 18। अब 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, 3 3 9। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, 3 1 3। फिर 3 से करेंगे, 3 1 3 1। 2 कितनी बार आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, और 1 2 3 बार आ रहा है। ठीक है, 2 की पावर 4, या ऐसे लिखे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 2 2 4 2 8 2 16, 3 3 9 3 27, मतलब 16 × 27 आप करेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है,
तो ये आपको गुणा कर लेना पड़ेगा, गुणा करिए जरा। तो 7 6 42, 7 1 7 4 11, 2 6 12, 2 1 2 1 3, 2 3 4, 432। देखते हैं विकल्प कहाँ गया हमारा, ये हमारा बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हर एक क्वेश्चन को हम लोग कितनी आसानी से यहाँ पर कर पा रहे हैं। अब तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कठिन है, हर क्वेश्चन आप लोग को आसान लग रहा होगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, अब 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दो प्राकृतिक संख्या है 6:11 के अनुपात में, यदि इनका लसा दिया गया है तो मसा बताना है। देखिए दो संख्याएं है, तो मान लिया हमने संख्या x है, तो जो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 6x हो जाएगी, दूसरी संख्या 11x हो जाएगी। लसा दोस्तों दिया गया और मसा को भी हम x मान लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब 6x × 11x बराबर लसा गुणे मसा। लसा दिया 462 गुणे मसा में x हो जाएगा, x से x काट लेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या बचेगा, x बराबर बचेगा 462/6×11, ये बचेगा ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, सही आंसर हमें इसका मिल जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिस होगी तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। देखिए भाग करेंगे 6 7 42, 4 2, फिर से 6 7 42, 11 का 11, 11 7 77, यहाँ हमारा x का मान आ जाएगा 7। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। तो देखते हैं विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि दो सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा, आपको ये बताना है। दो सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखिए दो सअभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होता है वो सदैव एक होता है। ऐसी दो संख्याओं का समूह जिनका मसा एक हो, दोनों संख्या सअभाज्य संख्या होती है, तो इसका जो मसा होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, इसको याद भी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें कुछ हमें लॉजिक नहीं लगाना है, इसका आंसर एक होगा। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है। एक संख्या में पता है 175, तो दूसरी संख्या देखिए फार्मूला में पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या में दी गई 175, दूसरी संख्या कुछ नहीं तो हमें x मान लिया, बराबर मसा गुणे लसा, 35 × में हो जाएगा 525। ठीक है, इस्तेमाल गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये x बराबर हो जाएगा 35 × 525/175। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो भाग करके देखते हैं, 5 7 35, 5 3 15, 5 5 25, 7 1 7, 7 5 35, 5 से भाग करेंगे, 5 1 5 0, 5 5 25, तो हमारा x का मान आ जाएगा 105। हमारी जो दूसरी संख्या आएगी 105 होगी, ये विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है, अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों 18 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा कि यदि 65 और 117 का जो मसा है हमारा, 65 m − 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का आपको मान बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, पहले आपके पास 4 विकल्प है, आप लोग अपना आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, पहले हम 65 और 117 का पहले मसा निकाल कर देखते हैं। कैसे भाग करेंगे ना, सीधे से हम लोग भाग कर देते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, अब यहाँ पर आगे 65 आ जाएगा, अब कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, 52 लिख देंगे, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पर 52 आ जाएगा, 13 चौके 52। ठीक है, ये कट गया, तो हमारा जो इसका फाइनल मसा निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा, हमारा 13 आ रहा। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। यदि 65 और 117 का मसा इसके रूप में दर्शाने योग्य हो तो हमें m का मान निकालना था। ठीक है, तो हमें मसा पता चल चुका है, 13 बराबर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 65 m − 117, 117। ये 65 m, इसको ऐसे रहने दीजिए, जब 117 इधर जाएगा तो 13 में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 117 प्लस में 13 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 130। 65 m बराबर 130, या m बराबर लिख सकते हैं 130/65, 65 दूनी 130 होता है, तो हमारा m का मान निकल कर आएगा 2, कितना आ जाएगा, 2।
विकल्प में देख लीजिए जरा, बी वाला सही आंसर है ना। तो कितने बच्चे वैसे इस क्वेश्चन को कर पाए थे? देखिए अगर आप नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए यूपी टेट में तो तुरंत आपसे होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्त। हमने क्या बोला है, अंश का जो जो अंश है उसका हम लसा निकालेंगे, 2 और 3 का लसा निकालेंगे, नीचे हर होता है, 3 और 4 का क्या निकालेंगे, मसा, 2-3 का लसा निकालेंगे। कितना हो जाएगा 2-3 का लसा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, सीधे से लसा 6 हो जाएगा, 3 और 4 का जो मसा निकलेगा 1 आएगा, तो लसा बटे मसा मतलब 6/1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, जैसे 2 और 3 का आप लसा निकालेंगे, 2 और 3 का कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा ना, 2 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा 3 बचेगा, 3 से भाग करेंगे 1 1, तो 2 × 3 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा हमारा लसा। मसा निकालना हमें 3 और 4 का, 3 4 का मसा कैसे निकलेगा बताइए, 3 से भाग करेंगे ना, 4 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 × 1 = 3, या 1 बचेगा, यहाँ 3 रहेगा, 1 × 3 कट जाएगा ना, ये मसा हमारा 1 आ जाएगा, लसा ऐसे आ गया। तो देख लीजिए आप लोग, अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा तो आप लोग सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है, डरना नहीं है। देखिए जब आप डरेंगे तभी आपके सामने दिक्कतें आएंगी, तो अच्छे से तैयारी करना है और एक अच्छा स्कोर हमें करना है, ठीक है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, तो कितना आया था हमारा आंसर वैसे फाइनल वाला, 6 आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1989 है, यदि एक संख्या 170 है तो दूसरी संख्या। यार इससे अच्छा क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, हमें पता है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, या मसा गुणे लसा कर दीजिए। एक संख्या दी गई, पहली संख्या 117 दी गई है, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं, गुणे मसा गुणे लसा, मसा कितना है 13 दिया गया है, गुणे में लसा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1989 है ना, 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये एक्स बराबर हो जाएगा 13 × 1989/117, 13 × 13 = 13, 13 × 9 = 117, 9 से भाग करिए, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, एक्स का मान आ जाएगा 221। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार, 2016 में भी यूपी टेट में आया, 2017 में यूपी टेट मतलब 6 to 8 लेवल में आया, तो यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है ना तो कुछ भी कठिन नहीं लगता, जो बच्चा शॉर्टकट तरीका अपनाता है उसी को दिक्कत आती है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याओं का योग अगर 36 दिया गया, अब देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, ठीक है, 2 संख्याओं का योग क्या है 36 है, उनके मसा तथा लसा क्रमशः 3 और 105 है। देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन रखा था, अगर मसा 3 दिया है तो पहली संख्या मान सकते 3x है, दूसरी संख्या मान लेंगे 3y, ठीक है, मसा से हमने ऐसी संख्या मान ली क्योंकि हमने पहली संख्या मानी एक्स वाई है, लेकिन जब मसा में पता चल गया 3 है तो पहली संख्या 3x होगी, दूसरी संख्या 3y होगी। तो बोला गया 2 संख्याओं का योग मतलब 3x प्लस का 3y बराबर दिया गया 36। अगर यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई बराबर 36, या x प्लस वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं 36/3, ये 3 आ जाएगा तो भाग करेंगे तो आ जाएगा 12। तो हमें एक बात पता चल गई कि हमें x प्लस वाई का मान पता चल गया 12 है, ठीक है, इतना क्वेश्चन हमारा हो गया। अब क्या करना है आगे, तो दोस्तों यहाँ पर एक काम और हम लोग करेंगे, संख्याओं का मसा तो हमें पहले से पता है कितना है 3 है, ठीक है, उसके बाद संख्याओं का लसा दिया गया है हमें, कितना दिया गया है दोस्तों 105, मतलब 3 × xy का मान हमें दिया गया 105, इसको भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, मसा का मतलब पता चल गया, लसा भी हमें पता चल चुका है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमें बताना है, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 1/3x प्लस दूसरी संख्या 1/3y बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इधर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा 3y इधर जाएगा, इधर 3x हो जाएगा, अपान में 3 × 3x हो जाएगा 3y, ठीक है, ये नीचे का देखिए 3x गुणा करके हमने ऐसे किया है, तो ऊपर हम 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा ऊपर क्या, इसको ऐसे सीरियल से कर लेंगे x प्लस वाई, नीचे बचेगा 3 त्रिक का 9 नहीं, ठीक है,
या ऐसे रह दीजिए 3x into 3y, 1 3 से ये 3 कट जाएगा, नीचे बचेगा 3xy, ठीक है। तो ऊपर बचा x plus y का मान हमारा कितना है, पहले 12 है, नीचे 3 हो जाएगा इंटू में xy का मान हमारा कितना है, जरा इसको देखते हैं हम लोग पहले। या तो एक काम करते हैं, कुछ ना करिए, 3xy जैसे लिखा था वैसे लिखे रहने देते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि हमारा 3xy का मान 105 है, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा 12/105, इसको हम आगे ऐसे लिखेंगे 12/105, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 3 चौके 12, 3 3 9, 3 5 15, मतलब 4/35, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट, इसको मिटाते हैं। सही आंसर हमारा क्या है, 4/35। देखिए आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। आपको क्या लगता है यूपी टेट पास करना इतना आसान होता है, नौकरी पाना इतना आसान है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा कर रखा जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, आप इसको देखते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:6 और उनका एचसीएफ दिया गया है 12, इन संख्याओं का हमें एलसीएम बताना है। देखिए एचसीएफ मासा देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि भैया अब तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या हमारी 5x है, दूसरी संख्या 6x है, ठीक है। देखिए बहुत तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम चलिए एक काम करते हैं, इनका अनुपात दिया गया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। 5x है पहली संख्या मान लेते 5x है, दूसरी हमारी 6x हो जाएगी, ठीक है। और हमें इसका मासा पता है 12, तो पहले में 5×12 कर देंगे, दूसरे में 6×12 कर देंगे, तो 12×5=60 और 12×6=72, 60 और 72 हमें संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, ठीक है। और इन संख्याओं का अब हमें एलसीएम निकालना है, 60 और 72 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, वही आंसर होगा। तो चलिए इधर 60 और 72 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 3 6 0, 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से भाग करेंगे 15 बार जाएगा, ये 18 बार जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे, अभी 2 से 1 बार और भाग करेंगे, 15 रहेगा, 2 9 18, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 5 6 15, 3 3 9, फिर 3 से भाग करेंगे 5 1, फिर लास्ट में 5 से भाग करेंगे 1 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 कितनी बार है हमारा आ रहा, 3 बार आ रहा, 3 2 बार आ रहा, 5 1 बार आ रहा, तो क्या लिखेंगे, 2×2×2×3×3×5, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, ठीक है, 24 3 72, 72 5 कितना होता है हमारा, 5 2 10, 5 7 35, 1 36, 3 2 60, 360 दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं विकल्प में, ये डी वाला विकल्प दिया गया है। तो क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो फिर देखिए इतना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो इसको मिटाते हैं, इसका आंसर हमारा कितना था, 360। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कि 2/5, 8/35, 4/15 और 6/25 का महत्तम समापवर्तक हमें एचसीएफ बताना है। अभी तक ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम निकालना देख रहे थे, लेकिन जब हमें एचसीएफ निकालना रहेगा तो जस्ट इसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, जो हमारा अंश होगा, ठीक है, अंश का हम लोग क्या निकालेंगे बताइए पहले आप लोग। अंश में अभी तक हम लोग क्या निकालते थे, अंश में अभी तक हम लोग निकालते थे एलसीएम, ठीक है। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में मासा पूछा है तो हम अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, मतलब अंश का हम लोग निकालेंगे मासा, और हर का क्या निकालेंगे, हर का निकालेंगे लसा। तो हमारा अंश का मासा निकालना है 2 8 4 6, 2 8 4 और 6, 2 का भाग 8 में करिए, चला जाएगा कि नहीं, 2 चौके 8 कट गया। अब 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर ये बड़ी मान लीजिए मासा, तो ये हमारा इसका मासा निकल कर आएगा 2, ये हमारा महत्तम समापवर्तक आ गया। अब 5 35 15 और 25, ठीक है, 5 35 15 और 25, इसका हम क्या निकालेंगे, लसा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग करेंगे, ठीक है, 3 3, ये 35 में तो जाएगा नहीं, 3 5 15, ये 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, 5 से भाग करेंगे, 5 1 5, 5 7 35, 1 5 25, फिर 5 से भाग करेंगे, 1 7 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पर 7 से भाग कर देंगे, 1 1 1 1,
तीन गुड़े पांच गुड़े पांच गुड़े सात, तीन गुड़े पांच गुड़े पांच गुड़े सात, तीन पचे पंद्रह, ठीक है, 15 पचे 75, 75 गुड़े 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो दोस्तों अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा? 7 पचे 35 का 5, 7 सते 49, 49 और 3 52, 525 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या निकला था इस क्वेश्चन के लिए? मासा बटे लासा, मासा हमारा 2 आया था, तो पहले ऊपर लिख देंगे मासा 2 और नीचे लासा आया हमारा 525, 2 बटे 525, सही आंसर हमारा होगा बी विकल्प, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, पहले इसको मिटा दिया जाए। तो हर एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और आपको देखिए समझ में आना चाहिए। देखिए होता क्या है ना, अगर आज आप लोग लसा मसा का कॉन्सेप्ट समझ गए इस वीडियो में, तो फिर याद रखिएगा जिंदगी में फिर कभी आपको ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली। हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। 23 नंबर हो गया है, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का में मासा और लासा दिया गया है, यदि संख्याओं का जोड़ 99 हो तो उनका अंतर हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और हर क्वेश्चन को देखिए करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे मान लेते कि संख्या हमारी एक्स और वाई है, अगर संख्याओं का जोड़ मतलब 99, मतलब एक्स प्लस वाई का मान हमें दिया गया है 99 है, तो उनका अंतर हमें एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। हमें फार्मूला पता है, क्या होता है फार्मूला बताइए? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ये होता है। तो हमारा मसा और लसा क्या दे रखा है? 9 गुणे 270 करेंगे, इसका गुणा करके निकालिए क्या आएगा, चलिए गुणा हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, ये होता है। तो एक काम और हम लोग कर सकते हैं क्या, देखिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है हमें। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं पता है आपको? जब आप इस फार्मूले को आगे ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आएगा, आगे लिखा हमारा माइनस 4xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये जब घटेगा तो बचेगा माइनस 2xy, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। हमने इसलिए ऐसा किया, देखिए इसको हटाते साइड में करते, हमने इसलिए ऐसा किया है कि हमें x प्लस वाई का मान पता है, 99 क्वेश्चन में दिया गया था। देखिए यहाँ पर दिया गया ना कि उन संख्याओं का जोड़ 99, तो x प्लस वाई की जगह हम क्या रखेंगे? 99 का स्क्वायर, ठीक है। और दोस्तों देखिए आगे हमारा क्या दे रखा है, माइनस 4xy, माइनस में हो जाएगा 4, ठीक है, इंटू एक्स वाई की जगह हमें क्या रखना है, देखिए एक्स वाई की जगह हम रखेंगे 9 गुणे 270, तो मतलब गुणे में 9 गुणे 270, ये दोस्तों हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब 99 का स्क्वायर आप करेंगे तो इसका मान आएगा 9801, माइनस जब इसका पूरा मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 9720। अब इसको दोस्तों घटा लेंगे, घटाने पर हमें मिलेगा 81। ये दोस्तों क्या था, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ऐसा, इसको आप हर लाइन में लिख सकते हैं ताकि आप लोग को याद रखें। जो बच्चे देखिए नए होते हैं ना उनको लिखना होता है, और जो बच्चे पुराने हैं जो अच्छे से हैं तैयार, उनको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 81 या x माइनस वाई का मान आ जाएगा 9, ठीक है। तो हमें यही निकालना था कि उनका अंतर क्या आएगा, 9 आ जाएगा, ये हमारा डी वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग तैयार रहेंगे तभी आप पेपर में देखिए एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो तैयारी आपकी बेहतर होनी चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, अब देखिए 25 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा मजा भी आती है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी देखने में लगता है। क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड और 120 सेकेंड में लाल संकेत देती है, यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती है तो सभी एक साथ मतलब एक ही समय पर लाल संकेत देगी, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या बता रखा है, आप सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, आप लोग सोचिए, इसको मिटाते हैं तब तक तो क्वेश्चन का आंसर बताइए कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमने बता रखा है सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सा LCM निकालना है, ठीक है। LCM हम लोग यहाँ पर ऊपर निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पर चलिए नीचे निकालते हैं, काफ़ी जगह है, 30, 45,
और 120 का, ठीक है, एलसीएम निकालना है। वैसे आप लोग निकालना सीख गए होंगे, लेकिन तब भी दो से भाग करेंगे 15 बार 45 आ जाएगा, यहाँ 30 बार जाएगा, यहाँ 60 बार जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग दो से भाग करेंगे, यहाँ 15 45, ये 15 बार जाएगा और यहाँ 30 बार जाएगा। फिर दो से भाग करना रहेगा, ये 15 रहेगा, 45 15, ये 15 आ जाएगा। फिर तीन से भाग करेंगे, 3 × 15 तीन एकम तीन, 3 × 15 3 × 15 3 × 15। फिर हम तीन से भाग कर लेंगे, 5 3 × 15 5 5 हो जाएगा। और लास्ट में 5 से भाग करेंगे, 1 1 1 1। दो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 तीन बार दो है, फिर 2 बार 3 है, फिर 5, 1 2 3 × 3 × 3 × 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8 3 × 3 = 9 9 × 5 = 45, ठीक है। ऐसा गुणा करिए कि गुणा करने में आसान रहे। तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए डायरेक्ट ही करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। 2 × 2 = 4 × 2 = 8 8 × 3 = 24 24 × 3 = 72 72 × 5 करेंगे तो 5 × 2 = 10 5 × 7 = 35 1 × 36 360 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो बस हमें यही बता रहा था अभीष्ट समय क्या निकल के आएगा हमारा, 360 सेकेंड। विकल्प जरा देखते हैं, 25 नंबर का बिना विकल्प देखे हम लोग का आंसर आ जा रहा है। वैसे तो ये यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में देखने को मिल जाते हैं, तो अगर एलसीएम कभी आगे चलकर आप लोग को सुपर टेट या कहीं पर देखने को मिलेगा, तो अब हमें नहीं लगता कि आप लोग से कोई गलती होने वाली है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, देखिए। दो संख्याएं पी तथा क्यू का लसा तथा मसा क्रमशः पी तथा क्यू है, यदि पी माइनस स्मॉल पी क्यू माइनस क्यू हो तो, आपको ये बताना है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और हमें मिलता हुआ, हर तरह का क्वेश्चन आज अगर हम लोग देख लेंगे ना, तो फिर मजा आने वाली है जब आप पेपर में पहुंचेंगे। देखिए लिखा है, दो संख्याओं पी तथा क्यू का लसा तथा मसा ये दिया है। दो संख्या हमारी क्या है, एक स्मॉल पी है, एक ठीक है क्यू है। पी का देखिए, दो संख्या पी तथा क्यू का लसा तथा मसा, पहले हमें बोला गया लसा, पी का हमारा लसा कितना दिया गया, ये दिया गया है, और जो हमारा क्यू का मसा दिया गया, क्या दिया गया, ये कैपिटल क्यू, ठीक है। यदि देखिए क्वेश्चन में बोला है पी माइनस स्मॉल पी बराबर क्यू माइनस कैपिटल क्यू हो तो, आपको आगे सॉल्व करना है, ठीक है, ये बात। तो एक और आपने फार्मूला पढ़ रखा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, अगर दो संख्या आपको पता है तो आपने फार्मूला पढ़ा है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है हमारा, लसा गुणे मसा, आपने पढ़ा है कि नहीं बताइए पहले, आप लोग आपने पढ़ रखा होगा। पहली संख्या हमारी क्या थी, स्मॉल पी, दूसरी संख्या स्मॉल क्यू, तो हमारा लसा क्या हो जाएगा, कैपिटल पी कैपिटल क्यू। हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये देखिए, चलिए जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं, पी माइनस स्मॉल पी बराबर क्यू माइनस कैपिटल क्यू। एक काम करते हैं, जो कैपिटल क्यू है ना, इसको राइट साइड ले आते हैं, स्मॉल पी को इधर ले जाते हैं, तो पी प्लस का क्यू हो जाएगा हमारा क्यू प्लस का पी, ऐसा हो जाएगा। अब कुछ अलग तो है नहीं, अभी वही है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल पी का स्क्वायर प्लस का क्यू का स्क्वायर प्लस का 2PQ, इधर क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर प्लस का पी का स्क्वायर प्लस का 2PQ स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल में हो जाएगा 2QP। इसको ऐसे अलग करते हैं, देखिए अभी हमने देखा था स्मॉल पी क्यू बराबर होता है कैपिटल पी क्यू, ये हमने फार्मूला से हमें ये बात पता है। तो यहाँ या तो हम कैपिटल पी क्यू की जगह स्मॉल पी क्यू रख दें, बात वही होगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस इसकी जगह हम स्मॉल पी क्यू रख देते हैं बराबर क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर प्लस का 2QP। ये पता नहीं क्यों किया ऐसा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। जल्दी से देखते हैं विकल्प में कहीं ऐसा कुछ दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला विकल्प करेक्ट होता है।
तो दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन इससे पहले अगर आपने यूपी टेट में देखा होगा तो पक्का आप डर गए होंगे कि यार कैसे होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन एलसीएम में हमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अब देखिए जब आप देख के जाएंगे आज इस वीडियो को, तब तो अगली बार जब आप ये क्वेश्चन आपको मिलेगा तब तो आपके लिए हलवा रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24, 12, 36 तथा 60 का मसा बताना महत्तम समापवर्तक। 24, 12, 36, 60। सबसे पहले काम करा करिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे सबसे छोटी संख्या हमारी 12 है, उससे बड़ी संख्या में 12 से भाग करके देखिए 24 में, देखिए दो बार में चला गया, कट गया, ठीक है, बहुत बार नहीं कटेगा तो इसको कंटिन्यू भाग करते रहेंगे। अब 12 से 36 में भाग करिए कट जाएगा, 12 3 36, 12 5 60, तो इन सबका मसा क्या निकल कर आएगा, 12, ठीक है, सही आंसर क्या होगा हमारा, 12। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, तो उम्मीद करते हैं आप गलती नहीं करेंगे। अब चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 28 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा कि तीन सर्च लाइट 20 सेकंड, 30 सेकंड तथा 45 सेकंड के अंतराल पर दीप्त होती है, तो दो युगपथ दीप्तों के बीच का समय। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है, तो 20 का, 30 का और 45 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए निकाल कर देखते हैं, 10 बार जाएगा ये 15 बार, ये 45 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 15 45, फिर दोस्तों किससे भाग देंगे, 3 से देंगे, ये 5 रहेगा, 3 5 15, ये 15 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे, 5 5 3 5 15, अब लास्ट में हम 5 से भाग दे देंगे, 1 1 1, ठीक है, हमारा एलसीएम निकल कर आ चुका है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितनी बार 2 है, 2 बार 2 है, 2 बार 3 1 बार 5, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका, चलिए देखते हैं, 2 × 2 = 4, 4 3 = 12, ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, 36 × 5 = 180, तो ये हो गया हमारा आंसर 180 सेकंड पर, ठीक है। विकल्प में देख लेते जरा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं डी विकल्प हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी यहाँ पर मिनट में भी दिया जा सकता है, अगर दिया होता कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तो क्या करते, 180 सेकंड आया था ना हमारा, 180 को हम 60 से भाग दे देते तो यह 6 × 3 = 18, तो ये मतलब हमारा मिनट में बदल जाता है। तो कभी कभी विकल्प आपको उलझाने के लिए ऐसा दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, 10, 15 तथा 20 का लासा क्या होगा, ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, तो सिंपल था भाई, 10, 15 और 20 का एलसीएम, ठीक है, आप लोग भी कोशिश करते रहेंगे, 2 5 10 15 2 20, ठीक है, ये फिर 5 आ जाएगा, 15 2 5 10, फिर 3 से भाग करेंगे, 5 रहेगा, 3 5 15, 5 और लास्ट बार 5 से, 5 एकम 5 1 1 1, 2 × 2 2 × 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, हमारा ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन पेपर में आसान भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन ही कठिन होगा। 22 54 135 और 198 का आपको लासा बताना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत कठिन नहीं है, लेकिन वही है कि फिर आपको समय देना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। 22 का, 54 का, 135 का, 198 का, आपका इसका क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे पहले 2 से ही भाग करना शुरू करेंगे हम लोग, 2 से भाग करेंगे, 11 बार जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 27 × 2 = 54 होता है 135, इसमें भाग करेंगे, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, 2 से भाग हो गया हमारा। अब 3 से शुरुआत करते हैं, 11, 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 11 रहेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, ये 11 बार जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे, 11 इधर 3 उतरेगा, 3 × 5 = 15, फिर 11, अब किससे भाग करेंगे बताइए, यहाँ 3 × 1 = 3 हो जाएगा ना दोस्तों, यहाँ इसको 1 करिए पहले, अब यहाँ 5 से भाग करेंगे, 11 ऐसे ही रहेगा, 1 यहाँ है, 5 × 5, फिर 11 आ जाएगा, और लास्ट में दोस्तों हम लोग 11 से भाग करेंगे, 11 × 11, मतलब सब 11 हो जाएगा, मतलब सब 1 हो जाएगा, 11 क्या होगा, 2 1 बार आया, 3 हमारा 3 बार रिपीट हुआ है, 5 1 बार और 11, इसका लासा ऐसे लिख लेंगे, 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 11, गुणा करने पर दोस्तों जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए विकल्प में देख लेते हैं, विकल्प में 2 × 3 का ये हो जाएगा क्यूब हो जाएगा ना, 3 बार है, 5 × 11, तो 2 × 3 का क्यूब 5 × 11, मतलब हमारा विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छी बात यह है कि इसमें
स्क्वायर गुणा करके आंसर नहीं लिखा, नहीं तो आपको और ज़्यादा समय आपका खर्च होता। तो जो एक अच्छा किया था सीटेट ने जब ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 33 के बाद 31 नंबर कहाँ गया हमारा। संख्याओं 4, 20 और 28 के मसा तथा लसा का योगफल होगा। ठीक है, पहले हम इसका लसा और मसा दोनों हमें निकालना देखिए। तो सबसे पहले बोला गया इसका मसा निकाल लिया जाए, 4, 20 और 28। आप समझ सकते हैं, देखिए 4 का 4 से भाग दीजिए 20 में, 4 5 20, 4 7 28 कट जाएगा, तो समझ सकते हैं आप लोग इसका मसा 4 ही होगा। लेकिन आप एक बार कर सकते, चले भाग करते हैं 4 से, 5 बार में कट गया ना ये, कट्टम कट्टम, फिर 4 से भाग 28 में जाएगा, तो ये हमें कन्फर्म हो गया कि हमें इसका मसा निकल गया है 4 होगा। अब इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे 4, 20 और 28 का, तो हम निकाल के देखते हैं ज़रा, इसमें थोड़ा समय भी लगेगा। 4, 20 और 28, पहले 2 से भाग करेंगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 2 4 8, फिर ये भी 14 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 20 था, 200 रुके एक मिनट, ये 20 था ना, तो जब यहाँ पर हम लोग भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से भाग करेंगे 20 में, 2 धामा 20, तो 10 10 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 1 5, 7 बचा, लास्ट में 7 से भाग करेंगे, सब 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 5 20, 20 7 140, लसा में निकाल लिया कितना आ गया हमारा 140। तो क्वेश्चन में क्या बोला था हमें, मासा तथा लसा का योगफल, मतलब मासा 4 आया था, लसा 140 है, मतलब 4 + 140 कर देंगे, आंसर कितना आएगा 144, हमारा बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारे, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य भी हो। ठीक है, पहले देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करा करिए, सीधे आंसर आप लोग मत देखा करिए। छोटी से छोटी संख्या बोलते ही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, 10 का, 12 का, 15 का और 18 का। देखिए दोस्तों, इतने क्वेश्चन हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, तो आप लोग की प्रैक्टिस तो वैसे बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। 2 5 10, 2 6 12, ये 15, 2 9 18, फिर 2 से भाग करेंगे, ये 5 वैसे रहेगा, 2 3 6 हो जाएगा, 15 9। देखिए जिससे भाग गया था वही करते, फिर 3 से भाग करेंगे, 5 रहेगा, 3 1 3 आ जाएगा, 3 5 15, 3 3 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 5 वैसे ही रहेगा, 1 लिख देंगे, फिर 5 3 1 3, लास्ट में दोस्तों भाग करेंगे 5 से, फिर सब कुछ 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2, 3 × 3, फिर 5, 2 × 2, 3 × 3, 5। तो वह छोटी से छोटी संख्या में बतानी थी जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 इससे विभाज्य भी हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। देखिए दोस्तों, पहले जब हम इसका गुणा करेंगे, 2 2 4, ठीक है, 4 3 12, 12 3 36, 5 180, ये 180 आ जाएगा। तो पहली बात, ये संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए देखिए इसका पेयर बनना चाहिए जोड़ा, जैसे 2 का स्क्वायर ये हो गया, ये 3 × 3 हो गया, यहाँ पर 5 × 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 × 2 जैसे ये हो गया, एक हमारा जोड़ा हो गया, 3 × 3 का जोड़ा हो गया, 5 × 5, तब इसका अंडर रूट निकल सकता है। तो जब ये करें तो ये हमारा हो जाएगा 900 गुणा करें। ठीक है, कैसे गुणा होगा, 2 2 4, 5 25, 25 × 4, 100, 100 और 3 3 9, 100 × 9, 900। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो हमें क्या बताना था, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा इससे विभाज्य हो, तो इसका सही आंसर आएगा 900। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिलेंगे, तो उसके लिए भी आप लोग को तैयार रहना है। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 225 तथा 550 के बीच में कितनी संख्या है 4 5 6 तीनों से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, 225 और 550 के बीच की संख्या, खाली 225 से लेके 550 के बीच। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखिए 4 5 तथा 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, इनकी लसा की गुणज होंगी। तो पहले इसका हम लसा निकाल लेते हैं, 4 5 और 6 का, 4 5 और 6 का लसा निकालिए, एलसीएम निकालना आ गया ना आप लोग को। 2 से भाग करेंगे, 2 2 4 5, 2 3 6, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 1 2, ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा, अब किससे भाग जाएगा, 3 से जाएगा ना, 1 5, 3 1 3, अब लास्ट में 5 से भाग करेंगे तो 1 1 1, 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, ये दोस्तों हमारा एलसीएम निकल चुका है।
ठीक है। अब जब ये बोला गया 225 तथा 550 के बीच में कितनी संख्या है, इसके तीनों पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो अब जरा 4 में हम 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 60, 6 × 24, 240। अब जो 240 संख्या आ रही है, 4 से भी इसमें भाग जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, क्योंकि एलसीएम हमारा 60 था, और 60 से गुणा 4 में करें, 5 में करें, 6 में करें, सब में ये संख्याएं भी कट जाएंगी और गुणज भी हो गया। अब जरा हम 4 हो गया, अब 5 का गुणा 60 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 300 हो जाएगा। अब 6 का गुणा 60 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360। इसमें बोला गया इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो 4, 5, 6 तीनों से पूर्णतः विभाजित होंगी, ठीक है। ये संख्या तो कंफर्म है। अब अगली बार अगर हम 7 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 6 = 42। अब जो ये 420 भी आएगा दोस्तों, मतलब जिसमें 60 से गुणा हो जा रहा है, ठीक है। तो अब वो हर एक संख्या मतलब समझ लीजिए इससे कट जानी है। 8 से गुणा करेंगे 60 में, 8 × 48, 480 पहुंचा भी, हमें 550 तक देख सकते हैं। 9 का गुणा कर देंगे 60 में, 9 × 56, ठीक है, 9 540। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, यहाँ से शुरुआत करेंगे, काउंट करिए आप लोग। एक हो गया ये, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, टोटल 6 हो गया। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कितनी संख्या है जो 225 और 550 के बीच में होंगी, जो इससे विभाजित होंगी, वो संख्या टोटल होंगी हमारी 6। विकल्प नंबर यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि 34 नंबर, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16 और मतलब 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। वह सबसे छोटी संख्या, पहले हमें सबसे छोटी संख्या सुनते ही क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। आज तो दोस्तों हमें लग रहा है आप लोग एलसीएम निकालने में एक्सपर्ट होने वाले हैं, इतने एलसीएम आज आपने निकाल लिया, 12, 16, 24 और 36, ठीक है। भाग करके देखते हैं, 2 से भाग करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, ये 12 बार जाएगा, ये 18 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ये 3 रहेगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये 9। फिर 2 से भाग करेंगे, 3 ये 1 आ जाएगा, 3 9, ठीक है, ये कॉमा है ना। फिर अब 3 से भाग करेंगे, 1 1 1, 3 × 3 = 9, लास्ट में 3 से भाग करेंगे तो 1 1 1 और 1। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, और 3 2 बार आ रहा है ना, इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 बार 2 आ रहा है, × 3 × 3, गुणा कर लीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, और 48 × 3, देखिए 48 का मल्टीप्लाई ना है गुणा मतलब पहाड़ा ना याद हो तो, 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 12, 2 × 14, 144, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हर चीज़ का हमें टेबल से या पहाड़ा याद ही होगा। 144 यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन में हम लोग से एक चीज़ बोला गया है कि इसमें छोटी से छोटी संख्या बतानी थी, जब हम 12 से 16 से 24 और 36 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 9 बचे। अब देखिए 144 में चाहे 12 से भाग करिए, चाहे 16, 24 और 36 से, 0 आएगा, कोई भी शेष नहीं बचेगा, ठीक है। तो जब इसमें बार बार शेष 9 बचना चाहिए, तो इसमें हम सिंपल सा क्या करेंगे, 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 153, यही सही आंसर होगा, ठीक है। भरोसा नहीं हो तो 153 में आप 12 से भाग करके देख लीजिए, इसमें 12 से देना, 12 × 12, 5 में से 3 गया, 2 गया मतलब 3 बचेगा, ये थे 12 × 2 = 24, 33 में से 24 घटेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 34। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ थोड़े से बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था जब भिन्नों का कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा है हमारा, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27, क्या किया जाता है बताइए, जो हमारा अंश होता है, अंश क्या है इसमें, देखिए अंश अपॉन हर होता है ना, समझ रहे ना आप लोग, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, अंश क्या है इसमें,
एक है, दो है, पांच है, चार, इसका हम क्या निकाल लेंगे? इसका हम निकालेंगे लसा, जो हमारा हर है नीचे, 3, 9, 6, 27, 3, 9, 6 और 27 का क्या निकालेंगे हम लोग? मसा। ठीक है, ये हो गया, बस हो जाएगा हमारा आंसर 1, 2, 5, 4। ठीक है, 1, 2, 5 और 4 का लसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जरा देखते हैं। 2 से भाग करिए 1, 2 एकम 2, 5, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे 1, 1, 5, 1, लास्ट में हम 5 से कर लेंगे 1, 1, 1, 1, तो कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, लसा हमारा निकल कर आ गया है 20। ठीक है, अब मसा निकालेंगे 3, 9, 6, 27 का, 3, 9, 6, 27, आप देख रहे हैं 3 से सभी में भाग चला जा रहा है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 3 है, तो इसका मसा 3 ही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, पहले 3 का भाग हम 9 में करके देख लेते हैं, कट जाएगा ना, 3 3 का 9, ये तो आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, फिर 3 का भाग 6 में करेंगे, ये भी चला जाएगा, 3, 9, 27, तो हमारा जो मसा निकल कर आएगा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो ऊपर हम लसा बटे मसा करते हैं, मतलब लसा हमारा 20 है, मसा 3 है, तो हमारा 20 बटे 3 यही करेक्ट आंसर होगा। विकल्प में हमें सी विकल्प दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे पेपर में। आज आप लोग को लग रहा होगा कि यार गणित कितनी आसान है, अगर हमने ठीक से पढ़ा होता तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा अभी तक आपको ना मिलता जो आप ना कर पाते। देख रहे होंगे, चाहे यूपी का क्वेश्चन हो, चाहे बिहार का क्वेश्चन हो, चाहे राजस्थान का क्वेश्चन हो, चाहे चंडीगढ़ का क्वेश्चन हो, चाहे पंजाब का क्वेश्चन हो, चाहे सीटेट का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो अभाज्य संख्याओं एक्स और वाई, जिसमें देखिए आप देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जो एक्स का मान है वो वाई से क्या है? बड़ा है। इस चिन्ह का मतलब ये है कि जो हमारा एक्स का मान है वाई के मान से क्या है? बड़ा है। का लघुत्तम समापवर्त ये 161 है, तो 3y - x का मान आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हमारा क्या है? दो अभाज्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त, मतलब मान लेते दो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? x और y हमने मान लिया। ठीक है, का लघुत्तम समापवर्त 161 दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें संख्या निकालनी है, कौन कौन सी संख्या होगी दोस्तों ये बताइए। 161 का जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा? 23 गुणे 7 निकलेगा, 23 7। ठीक है, 161, 23 गुणे 7 करेंगे। अब इसमें एक बात और है, जो हमारा x का मान होगा वो क्या होगा? 23 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें बोला गया 23 और 7 में बताइए क्या बड़ा है, 23 बड़ा है कि 7 बड़ा है, बताइए। आपको पता है कि 23 बड़ा है, तो यहां पर हमारा जो एक्स का मान होगा वो 23 होगा, वाई का मान होगा 7 होगा। ठीक है, और इसमें इसका मान हमें निकालना, 3y - x, 3y - x, हमें पता चल चुका है कि x का मान 23 है, y का मान 7 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 गुणे y, y की जगह क्या रखेंगे? 7 रखेंगे, माइनस का 23, 3 7 21 -23 घटा लेंगे, माइनस का 2 आएगा। विकल्प में जो बी विकल्प, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, जो क्वेश्चन बोले बस वही हमें करना है, अपने मन से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, मन में कुछ नहीं सोचना है, जो आपके सामने वही उसका उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा? 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? अब देखिए दोस्तों, ए विकल्प है 2 + 2 + 2, जोड़ लीजिए जरा, 2 दूनी 2 और 2 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। ये 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 2 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे पहले, फिर उसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 256। अब बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? आपको कहेंगे 256, तो बस यही डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। सीटेट का क्वेश्चन है ये। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है एलसीएम का और एचसीएफ का। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सुनते ही आप क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे लसा, एलसीएम 36 और 60 का निकालते हैं ना, 36 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया था, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, मतलब 18 और 45 का क्या निकालना हमें? मसा। ठीक है, वो निकालेंगे, पहले इसको निकालते हैं, 2 से भाग करेंगे 18 बार जाएगा, ये 30 बार जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 9 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, फिर 200 3 से भाग करेंगे 3 3 का 9, 3 5 15, 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3 5, और लास्ट में 5 से भाग करेंगे तो 1 1 ये आ जाएगा। 2 कितनी बार है? 2 बार है, 3 2 बार, 1 5,
तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, पंजे 180। इसका दोस्तों हमारा जो एलसीएम आ गया 180 आ गया, 18 और 45 का मासा निकालना है। हम भाग करके आपको हर बार दिखाते थे ना भाग कैसे किया जाता है, 45 में भाग करिए 18 से कितनी बार जाएगा, 18 × 2 = 36, बचेगा कितना 15 से 6 गया 9, ठीक है यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 18 आ जाएगा। अब 9 × 2 = 18, ऐसे ये काटते चले जाते हैं भाग करते हैं। अब 9 से 200 भाग चला गया तो हमारे इसका जो मासा निकल के आया है वो कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। लसा हमारा 180 है, हमें क्या करना था, सबसे छोटा सारा गुणज भाग का, देखिए यहाँ पर चिन्ह दिया गया और ये, तो हमें मतलब 180 बटे में 9 कर देंगे, ठीक है। 180 हमारा लसा, ये मासा, 9 × 2 = 18, 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 20। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये 2014 का क्वेश्चन है, 20 कहाँ गया, विकल्प नंबर ए। तो आज हमने 38 क्वेश्चंस को देखा इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप जो बच्चा देखे 38 में से अगर 30 प्लस क्वेश्चन भी अगर आपने सही किया ना, तो आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है, लेकिन और आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे एक और वीडियो में। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन को हम आपके सामने ला रहे हैं, किसी भी टेट का क्वेश्चन हो वो आपके सामने ला रहे हैं। तैयारी अगर आपकी बेहतर है तो याद रखिएगा, कोई ऐसी मतलब वैकेंसी नहीं आएगी जिसमें से ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं, और टीचर में आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आपकी तैयारी बेहतर है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।